माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी का, माननीय श्री एल मोरगन जी का और अन्य सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पवित्र तमिल कार्तिक मास 17 नवंबर 2022 से काशी तमिल संगमम का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से काशी की इस पवित्र भूमि पर हुआ था। विगत एक माह के अंदर काशी में तमिलनाडु के अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए 12 ऐसे समूह ने आकर के न केवल दुनिया की दो प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना को मूर्त रूप देते हुए देखा है, बल्कि काशी के साथ ही प्रयागराज और अयोध्या जाकर के उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच की उन प्राचीन समानताओं को भी अनुभव किया है। और इसका संदेश न केवल उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सकारात्मक रूप से रहा है, बल्कि तमिलनाडु से आए हुए अतिथियों ने भी बहुत नजदीक से इसको अनुभव भी किया है। और मुझे जिस दिन तमिलनाडु से आए हुआ पहला समूह प्रयागराज में गया था, उस दिन प्रयागराज में भी मुझे भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। जिस दिन समूह अयोध्या गया था, मुझे उस दिन अयोध्या भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। और मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको पहली बार उत्तर प्रदेश में, काशी में, प्रयागराज में या अयोध्या में आने का अवसर प्राप्त हुआ था। और उन्हें लगा कि वास्तव में देश की दो प्राचीन परंपराएं एक साथ मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है उसे साकार कर रहे हैं। इसके लिए हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं कि एक महीने से भी ये परंपराएं, ये कार्यक्रम बहुत कुछ कह रहा है। खासतौर पर जब हम काशी की बात करते हैं तो काशी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के साथ साथ कला संस्कृति का एक अद्भुत केंद्र बिंदु रहा है। उत्तर प्रदेश भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है, तो तमिलनाडु भी इन सभी समानताओं को लेकर के कला संस्कृति ज्ञान की उस प्राचीनतम परंपराओं का नेतृत्व करता है। इन दोनों परंपराओं का काशी तमिल संगमम के माध्यम से अद्भुत संजोग एक नए संगम का निर्माण करती है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने, संस्कृति मंत्रालय ने इसे साकार किया है। यह सचमुच अद्भुत है, अविस्मरणीय है और अभिनंदनीय है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में एक और समानता देखने को मिलती है और वह समानता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए परंपरागत उद्यम को एमएसएमई में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के सबसे बड़े भारत के दो बड़े केंद्र है, जिसमें एक उत्तर प्रदेश है और दूसरा तमिलनाडु है। इन दोनों के बीच के समानता आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में भी मदद कर रही है। यहां पर लगा हुआ एग्जीबिशन इसका उदाहरण है और काशी उसका केंद्र बिंदु है। काशी में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको पिछले 8 वर्ष के अंदर
यहां के आर्टिजन्स को मान्यता मिली, उन्हें जीआई टैग मिला और वैश्विक मंच पर उन्हें एक नई पहचान मिली है। यह जो संजोग है, प्राचीन काल से ही काशी भगवान विश्वनाथ के पावन ज्योतिर्लिंग के कारण, भगवान विश्वनाथ के इस पावन धाम के कारण जहां जगविख्यात रहा है, तमिलनाडु में भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित रामेश्वरम का पवित्र ज्योतिर्लिंग, इन दोनों पवित्र ज्योतिर्लिंगों के समन्वय के साथ साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत और इस देश में भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अपनी परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा के दो महत्वपूर्ण केंद्रों का इस संगम भी विगत एक माह से बहुत कुछ प्रेरणा दिया है। हमें विश्वास है कि जो शुरुआत पवित्र कार्तिक मास में काशी तमिल संगमम के माध्यम से प्रारंभ हुई है, यह परंपराएं निरंतर आगे बढ़ती रहनी चाहिए। इस अवसर पर मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि महाकवि सुब्रमण्य भारती जी ने इसी काशी तमिलनाडु से आकर के इसी काशी की धरती पर जो ज्ञान और साहित्य की समृद्ध परंपरा दी है, उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर के उनकी इस पवित्र परंपरा को, उनके स्मारक को भव्य स्वरूप देने में अपना भरपूर योगदान देगा। मैं एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय गृह मंत्री जी का, तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल जी का, अपने केंद्रीय मंत्रियों का और तमिलनाडु से आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों का एक बार फिर से उत्तर प्रदेश आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं। और मुझे बड़ा विश्वास है कि आप अपनी इस यात्रा की मधुर स्मृतियों को तमिलनाडु के हर घर तक, हर गांव तक पहुंचा करके इस परंपरा को अनवरत आगे बढ़ने के लिए तमिलनाडु के अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए अन्य महानुभावों को भी उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित करेंगे। आप सबकी इस पवित्र यात्रा के लिए मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। आप सब को मैं इस बात के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हर हर महा